जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, राजपूताना राइफल्स में आप लोगों के लिए न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इनमें आप लोगों को ग्रुप सी के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोगों को कुक के पोस्ट, सफाई कर्मचारी, कारपेंटर, धोबी, बारबर और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में आज वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन सी वैकेंसी के लिए आप लोगों से कितने पोस्ट और वैकेंसी निकाली गई है, साथ साथ किस वैकेंसी के लिए क्या आप लोगों से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या आप लोगों से कोई एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है या फिर नहीं मांगा जा रहा है, यदि मांगा जा रहा है तो कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, कौन से पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा जा रहा है, फीस पेमेंट आप लोगों को कितना लगने वाला, ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, सारी जानकारी आज किसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर है इसी प्रकार से डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वैकेंसियाँ आएंगी सभी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मैं पहुँचाता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, वहीं से सारी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज 10 से 16 जुलाई 2021। यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर बारे में जिन लोगों को नहीं मालूम है, यह एक ऐसा अखबार है जिसमें आप लोगों को नई नई वैकेंसियों के बारे में बताया जाता है। यह अखबार जो है साप्ताहिक अखबार होता है, जो कि हफ्ते में केवल एक बार आता है और पूरे सप्ताह तक यह वैकेंसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देता रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली कैंट 11010 यहाँ पर दिया गया है। इनमें आप लोगों को ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कुक का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिनमें आप लोगों से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मात्र 10वीं पास आप लोगों से मांगा जाता है, साथ साथ इंडियन कुकिंग की आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में आप लोगों को 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो भी चल जाएगा, यदि नहीं है तो भी आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो या फिर ना हो इससे कोई दिक्कत आप लोगों के पास नहीं होने वाली है। ठीक है, इनमें टोटल जो है 11 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, बूट मेकर के लिए आप लोगों को टोटल 2 पोस्ट हैं जिनमें से 10वीं पास मांगा गया है। इसके साथ साथ जो है कैरी आउट टू ऑल कैनवस, ठीक है, इनमें आप लोगों के पास जो है सभी चीज़ों को लेकर आने जाने की जो है सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी यदि आप लोग पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, बात करते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर में एक पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए भी योग्यता जो है मात्र 10वीं पास मांगा गया है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है इसकी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट आप लोगों को इस ट्रेड से यदि आप लोगों ने कहीं भी जो है ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना आप लोगों को अनिवार्य है। डिजायरेबल में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है आप लोगों की वाशरमैन की। वाशरमैन में आप लोगों को जो है टोटल 2 पोस्ट है, इनमें भी आप लोगों को 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ डिजायरेबल में इन्होंने बताया हुआ है यदि आप लोगों के पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बारबर की। तो बारबर में आप लोगों को टोटल 6 पोस्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें भी योग्यता जो है मात्र 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, आप लोगों को जो है बारबर में यानी कि बार काटने का नॉलेज होना चाहिए। इसमें यदि आप लोगों के पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल। बात करते हैं सफाई कर्मचारी की, यानी कि सफाई वाला की। इसमें जो योग्यताएं मांगी गई इसमें भी आप लोगों से मात्र 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। 10वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आप लोगों के पास 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल में का मतलब यही होता है कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो लगा देंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा वैरायटी आ जाएगा। जैसे कि जो है 2 बच्चे हैं, दोनों को जो है सेम नंबर आए हुए हैं, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको पहले भर्ती किया जाएगा, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसको बाद में भर्ती किया जाए। लेकिन जो है आप लोगों के पास यदि दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर वो जो है आप लोगों के लिए जो है कुछ भी टॉस रखने देंगे, वहाँ पर आप लोगों को उसको कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर मेरिट बेस वहाँ पर बनाएंगे। मेरिट में जिसका जो है नंबर आगे रहेगा उसको वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब आप लोगों को यहाँ पर जो है
आप लोगों की एज लिमिट की, ठीक है। तो एज लिमिट में यहाँ पर 18 से लेकर 25 वर्ष जनरल वालों के लिए यहाँ पर मांगा गया, 18 से लेकर 28 वर्ष तक जो है ओबीसी वालों को, 18 से लेकर 30 वर्ष तक जो है एसटी एससी वालों को यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो है कुछ कंडीशन थे जो कि एज लिमिट थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को सारी जानकारी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को बताया गया है जो एज जो आप लोगों को काउंट किया जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के लास्ट डेट से जो है आप लोगों का जो है एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया हुआ क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगेंगे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा आ रहा है, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता देता है, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है सारी जानकारी दूंगा कि आप लोगों को जो है फार्म को कैसे भरना है, ठीक है, कहाँ पर सेंड करना है, कितने का फीस पेमेंट वहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो सारी जानकारी आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोगों को इसमें कोई डाउट होता है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अलावा भी यदि आप लोग आगे वैकेंसी फार्म से रिलेटेड है, यदि आप लोगों को वहाँ पर भी कोई डाउट बनती है तो भी आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।